अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है साहिल शेख। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साहिल शेख ब्लॉग्स। सो गाइस, आज है पांचवा दिन सीपीएल का और आज पांचवे दिन का ई पैनल जो है हमारा उसके मैच लगेगी। तो आपके सामने ई पैनल आ रहा है, यहाँ पर देखो काफ़ी बेहतरीन मैच है आज भी। आज पहली ही मैच मस्तान वर्सेस किस्मत एक ही है। अभी जाते सीधा ग्राउंड पर ही मिलता हूँ मैं आप लोगों को। तो गाइस फाइनली अभी मैं आ चुका हूँ ग्राउंड पर। आज मैं परफेक्ट टाइम पर आया हूँ और अभी तक मैच भी स्टार्ट नहीं हुई है और आज मस्तान की मैच है। तो हमारे साहिल भाई कुछ बताएंगे, साहिल भाई कुछ बताएंगे तुमको खेलने वाला है या नहीं। हाँ भाई, खेलने वाला हूँ और इस बार हमको चारों की चार मैच जीतनी है। ये बार हमारा जोश कुछ अलग ही है, चारों मैच जीत के क्वार्टर में जाना है, फ्री क्वार्टर का झमेला नहीं रखना है। जैसे साहिल भाई मेरे को स्टम्प लाने, मैं मिलता हूँ, मेरे को मैनेजमेंट भी देखना है। मैनेजमेंट भी देखना है, पर मैं क्या बोलता हूँ तुमको। हाँ बोलो ना, तुमको खिलाएगी सब, मुझे लगता नहीं है। नहीं, इंशाल्लाह ये बार है क्योंकि प्लेयर कम है। ऐसा पानी पिलाने रखा है साहिल भाई को। अरे ये बात है साहिल भाई, सब हम लोग आ चुके हैं, हम लोग आज परफेक्ट टाइम पर आए। चलो अभी तक टीम नहीं आई है, टीम आती है, सिनेमेटिक शॉट में सबकी वीडियो बताऊंगा। तो किस्मत टॉस विन हो चुकी है और अभी किस्मत के जो कैप्टन है उनसे पूछेंगे क्या लेना चाहिए, आप क्या पसंद करेंगे लेना। हम बॉलिंग लेना पसंद करेंगे, पहले बॉलिंग करना पसंद करेंगे और मस्तान को बैटिंग करने का ऑप्शन दिया है। तो अभी चलते हैं। अभी मस्तान 48 रन चेस करने के लिए दिया है किस्मत एक को, तो देखते हैं चेस होते हैं या नहीं। चलो अभी दिखाते हैं। अंपायर का इशारा नो स्कोर, आगे बढ़ के खेलेंगे भाई, वो लाइन के पार फेर जाएगा तो रन नहीं मिलेगा यहाँ पर। काफी अच्छा अरे वाह, तो आपको कैसा लग रहा है पहली बॉल पर पहली विकेट लेकर? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। अरे बाबू, तो गाइस किस्मत और मस्तान के बीच में मुकाबला चल रहा था और मस्तान
विन हो चुकी है और अभी लगान और रिफाई कैलेंडर के बीच में हजर को अच्छी कप्तानी हजर ने एक रन आसानी के साथ जाफर भाई उनके लड़के अब्दुल हामी अच्छा घुमाया था अंपायर का इशारा देखने आएगा एक रन मिलेगा अब्दुल हमीद कोई आपके पास रन और यहां पर अब्दुल हमीद ने काफी अच्छा सफलता बनाया यहां पर के चाऊन उधर चले आना उधर खाली उधर से खतरनाक बॉलर जो कि फैजान बॉलिंग कर रहे हैं खतरनाक बैट्समैन से भाई कलंदर ने 41 रन जीतने के लिए दिया लगान को और अभी आदिल और इसरार भाई दोनों जन उतरे तो सलीम आपको क्या लगता है बार भाई इन लोग इंशाल्लाह रिफाई की उम्मीद है जीतने की बाकी लगान को ऐसा लग नहीं रहा कि टेस्ट करेंगे ऐसा हाँ। और अभी अजहर भाई बॉलिंग डाल रहे हैं अजहर भाई के तीसरी हाँ। तीसरा बोलता है और ये अभी चौका मारा इसरार भाई ने शानदार और सलमान भाई अंपायर है सलमान भाई आपकी का कुछ राय पर्सनल ओपिनियन कुछ बताएंगे अभी कुछ नहीं बता सकते क्रिकेट है कुछ भी हो सकता है ओके चलो भाई दिखाता हूँ मैं नेक्स्ट टाइम बॉल रख बोल बाहर ना बना सर बॉल नो कहीं नहीं मिले तब बराबर से बता भी सो गाइस घातक लगान विन हो चुकी है मैच 41 रन निकले दिया था और तीन ही ओवर में रन मार दिया इसरार भाई काफी अच्छा खेले तो अभी चलो मैच देखते दूसरी तो अभी मैच चल रही है 7 स्टार वर्सेस मस्तान के बीच में तो अभी मस्तान की फील्डिंग आई है और 7 स्टार की बैटिंग है दिखा चौक
बड़े प्यार से खेल रहे तो सेवन स्टार और मस्तान की मैच चल रही थी और मस्तान विन हो चुकी है। लगान और किस्मत एक ही मैच चल रही है, देख दिखा दो चल। वाह और यहाँ पर जो है बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी और ये जाता हुआ बाश है मत बाय बहुत बढ़िया तुम्हारी चाहिए और रियाज रियाज के फॉल। अरे वाह तो 29 रन जीतने के लिए दिया है किस्मत ने और अभी बैटिंग पे जा रहे हैं आदिल और इसरार भाई जिसने लास्ट टाइम 41 रन चेस किया था इसरार ने, तो अभी दिखाता हूँ चलो। तो घातक लगान मैच जीत चुकी है, किस्मत को हरा दिया और अभी मैच चल रही है रिफाई कलंदर वर्सेस सेवन स्टार के बीच में, मैच दिखा दो। तो गाइस सेवन स्टार ने 24 रन जीतने के लिए दिया है रिफाई कलंदर को, तो देखते हैं अभी हो पाते हैं या नहीं। चलो ये मोटिवेशन बढ़ गया इसलिए घातक से सोचा था कि घातक को हो रहा है लेकिन बाजा पलट गया, लेकिन इस बार पूरा अभी जो मैच होने जा रही है महामुकाबला मस्तान वर्सेस घातक लगान के बीच में और शायद मस्तान ने तो तक लगान हार चुकी है तो और अभी बैट्समैन जा रहे हैं भाई और आदिल भाई तो आराम से थोड़ा खेलना है भाई तो अभी उधर चले देखते हैं।
बहुत लोग तो गाइस बहुत ही कड़क मैच हुआ था लगान वर्सेस मस्तान के बीच में, और लगान विन हो चुकी थी 44 रन जीतने के लिए दिया था, और एक बॉल में 5 रन, एक बॉल में 6 रन चाहिए था, और रमजान ने वाइट डाला जैसे कि आप लोगों ने देखा वाइट डाला, और उसके बाद अर्शद से बैटिंग नहीं हुई, और अंपायर भी काफ़ी अच्छे थे हमारे असीम भाई वहाँ पर जो थे, दानिश भाई थे और सानवर भाई थे, काफ़ी अच्छा किया उन्होंने भी काम, और मस्तान जैसी टीम को हराना नामुमकिन था। इस पैनल की सबसे कड़क टीम और फाइनलिस्ट टीम, लास्ट ईयर फाइनल भी मारा था उन्होंने, उनको हराना नेक्स्ट लेवल की बात थी। हमें बहुत खुशी हुई जो मस्तान को लगान ने हराया क्योंकि बटन में चलेगी। तो गाइस हमारे इसरार भाई ने बहुत ही शानदार बॉलिंग किया है, और फाइनलिस्ट टीम लास्ट ईयर की उसको हराया है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? अच्छा कॉन्फिडेंस मिला है, और हमारे प्लेयर भी अच्छे कर रहे हैं, सपोर्ट भी मेरे को बहुत अच्छा मिला है, इंशाल्लाह हम लोग फाइनल में भी आ सकते हैं क्योंकि हमारे साथ जोश है। बहुत अच्छा लगा हम लोग जरा खेल के, और अभी कैसा है ये टीम हमारे लिए बहुत हार्ड पड़ रही थी, इसलिए हम लोग को इनको हराना बहुत जरूरी था, और हमारा कैसा है लास्ट 2 CPL बहुत खराब गया था, तो हम लोग को ये जीतना ही था। थैंक यू सो मच। तो गाइस भाई ने फील्डिंग बहुत ही कड़क की और अपनी टीम को जीत हासिल करा है, उसके बारे में क्या कहना? भाई फील्डिंग तो कड़क ही करनी थी हमको, और इस साल इंशाल्लाह हम लोग फाइनल तो मारने ही वाले हैं, क्वालिफाई तो हो ही जाएगी और हम लोग फाइनल में जरूर जाएंगे और फाइनल जीतने ही वाले हैं। अभी जो मैच हो रही है रिफाई कलंदर वर्सेस फिर से मस्तान, तो बैटिंग चल रही है रिफाई कलंदर की और मस्तान बॉलिंग पर है, अरशद बॉलिंग पर है, चलो देखते हैं मैच। और मैं अंपायर हूँ और अभी अलाउद्दीन 2 चौके मार के अरशद को आउट हो चुके, अभी दिखाते हैं। सबको साफ सामने हमारे पाप भाई आपको बोल नहीं दी थी, लोग हाइपो खेलते हो तुम? नहीं, ये मेरे प्लेयर लोग ने मेरा कॉन्फिडेंस स्लो कर दिया, एक मैच हरा के मेरा जरा भी मूड नहीं हो रहा है खेलने का, इतनी गंदी बॉलिंग चल रही है, मेरा जरा भी मूड नहीं हो रहा है खेलने का। तो गाइस रिफाई कलंदर और पाकिस्तान के बीच में मैच चल रही थी, और रिफाई कलंदर ने 28 रन जीतने के लिए दिया है, और एक ओवर की समाप्ति पर सिर्फ एक ओवर खेला और एक ओवर हुई और सिर्फ 3 रन हुए, अलगास और अरशद बैटिंग करे, चलो दिखा दो अभी। सादिक भाई इनोस मुच्छा ले जा अल्फाज रफाई कलंदर के कप्तान। काफी अच्छी फील्डिंग यहाँ पर अल्फाज की, पब्लिक यहाँ पर अल्फाज ने पहली गेंद की, उसके भाई बोल गया स्कोर काफी बीट किया, कुछ स्टाइल अलग है उनकी, काफी अच्छे स्टाइल में बोल रहे थे, काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, फिर रन मिल गया उसको, तो फिर तो उस गेंद और यहाँ पर बॉडी लाइन के बाहर गेंद जाते हुए एक दिए गेंद अब दी गेंद आखिरी बॉल अच्छे से पुश किया, एक रन आसानी से चुरा लिया, अभी 2 रन चाहते हैं हमारे चिंचन के, आखिरी काफी खतरनाक बॉल है, अरे 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 पाएंगे कि नहीं देखना पड़ेगा, अरे क्या बात है यार, एकदम ओवर की शुरुआत करते हुए और अखिल पहला गेंद डालेंगे और दियो हल्के से पुश किया है बल्ले और 4 रन के बाद और पड़ता हुआ वेल बॉलिंग बाय अल्फाज। तो काफी मैच अच्छी हुई रिफाई कलंदर और मस्तान के बीच में, और मस्तान विन हो चुकी है फाइनली आज के ई पैनल में से, मस्तान प्री क्वार्टर के लिए निकली और क्वार्टर फाइनल के लिए घातक लगान निकल चुकी है, और अभी प्री क्वार्टर का लॉस उड़ेगा, जब भी लॉस उड़ेगा तभी बताऊंगा, और अभी हम गुफ्तगू करेंगे इसरार भाई से जो कि हमारे
क्वालीफाई हो चुके हैं क्वार्टर फाइनल के लिए, प्री क्वार्टर के लिए भी नहीं, क्वालीफाई हो चुके हैं क्वार्टर फाइनल के लिए। बहुत ही खुश है हम लोग, चैनल भाई को सपोर्ट करें और लाइक करें। हम लोग मेरे भाई पे बहुत प्राउड करते हैं, इंशाल्लाह बहुत आगे जाएगा यूट्यूब बनाने का। अरे वो तो इंशाल्लाह जाएगा, पर आज आप जीते उसके बारे में क्या कहना? हम लोग बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, मेरे पार्टनर लोगों ने, भाई लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। इंशाल्लाह हम लोग क्वार्टर में भी जीतेगा, सेमी में इंशाल्लाह जाएंगे। हम लोग को पब्लिक का बहुत सपोर्ट है, इंशाल्लाह दुआ कीजिए हमारे लिए। जैसे कि आप लोग इसको जानते ही होंगे, अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरे भाई को पहले तो बहुत सपोर्ट करे और बहुत आगे बढ़ाए। बोलो भाई क्या कुछ आप जो लगान से आ रहे हैं इसके बारे में क्या कहना? मेरे बॉलर डर गए थे क्योंकि हम लोग लगान में सब हमारे बड़े भाई है, जैसे कि इशरार भाई मेरा बड़ा भाई है, उबेद अरशद का बड़ा भाई है, उन लोग की इज्जत रख ली और हम लोग हर बार उन लोग से मैच लेते, वो लोग हम लोग को हरा ही देते। हम लोग आज तक नहीं जीत पाए लगान से, पता नहीं उनके साथ खेलने के टाइम पे हम लोग को डर क्यों आ जाता है, बाकी हम लोग किससे नहीं डरते। और समदानी को मैं एक लात मारना चाहूंगा क्योंकि बार बार बीच में आ रहा है मेरे को मारने के लिए। और अभी उबेद भाई से हम गुफ्तगू करेंगे, आप जीते लगान को, मस्तान को हराया आपने, उसके बारे में। मस्तान को तो हम लोग हराने ही वाले थे, फिक्स कर गए थे, बहुत कॉन्फिडेंस लेके आए थे, इंशाल्लाह इस साल मस्तान को तो हराएगी और हमने हरा के दिखा दिया उसको। हाँ सही बात है। और अब हम गुफ्तगू करेंगे साकिब भाई से, जो मस्तान को हराया उसके बारे में आपका क्या कहना है? वही टर्निंग पॉइंट आपके लिए सबसे बड़ी, सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। एक्चुअली खुशी भी हो रही है और कैसा है वो फाइनलिस्ट टीम थी तो हरा के थोड़ा दुख भी हो रहा है कि हमारे खास जैसे हम लोग के साथ रोज खेलते और कैसा हर बार हर जाते, वो बात अलग है, बट अच्छे है वो हमारे साथ में और हम लोग के साथ भी पार्टी करने वाले, भले वो लोग आ रहे हैं बट वो लोग हम लोग को पार्टी देने वाले कि तुम लोग जीते तो उसकी खुशी में। ये गाइस बस गाइस आज का यही व्लॉग मैं यहीं पर एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ को लाइक दे देना गाइस, कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा और सब्सक्राइब के बटन को सब लोग मिलकर दबा दो। चलो मिलते हैं इसी तरह के शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय, दुआओं में याद रखना मेरे जिक्र का। बूम।